हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, लुधियाना की सुबह और सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। और हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास ब्रेकफास्ट के, लेकिन हमने एक सिलेक्ट किया और ये एक इंस्टाग्रामर है यामिनी जैन, उसको मैंने अपनी लिस्ट भेजी। शी इज़ अ फूड ब्लॉगर, लोकल फूड ब्लॉगर। उसको मैंने अपनी लिस्ट भेजी कि भाई ये मैंने ढूंढे हैं, ये पुड़ियों की दुकान है, कोई एक बेस्ट बता, मैं सिर्फ एक जगह ही जा सकता हूँ। शी रिकमेंडेड दिस शॉप और हम यहाँ आए हैं। साथ में हमारे लोकल फूडी लुधियाना के ओंकार जी और साढ़े ओला उबर ड्राइवर गोल्डी सिंह जी, तो चलिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। और जहाँ बात आती है पूड़ियों की, जम्मू से लेके कोलकाता तक पूड़ियाँ खाई हैं, चेंज होता रहता है टेस्ट, जम्मू की अलग, कोलकाता की अलग, अम्बाले की अलग, दिल्ली की अलग, तो लुधियाना की देखते हैं कैसा है टेस्ट। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। हेलो 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 वीडियो देखने वालों, बोले तो ए क्लास आइटम, वाह, इसे कहते हैं जन्नत के नजारे। हेलो 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 वीडियो देखने वालों, तो लीजिए सामने पेश है रुद्र रूपाली स्वीट शॉप। यहाँ की पूड़ियाँ बहुत फेमस है। इस जगह का एड्रेस और गूगल मैप लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ कि किस टाइप की लोकेशन है। काफ़ी चौड़ी सड़कों पे, रानी झांसी रोड है ये, और यहाँ पे ही है ये रुद्र रूपाली शॉप। अपने ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस है ये। बराबर में ठेका है और ठेके के बिल्कुल बराबर में ये है रुद्र रूपाली शॉप। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको यहाँ पे कैसा सिटिंग स्पेस है। तो ये देखिए, एंट्रेंस पे ही सबसे पहले यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। ये देखिए, वाह, ये देखिए, और ये जो एरिया है यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह रखी गई हैं। अंदर चलिए आपको अंदर इनका सिटिंग स्पेस दिखाते हैं। तो लीजिए हम अंदर आ गए हैं। ये देखिए इनका सिटिंग स्पेस काफ़ी डिसेंट बना हुआ है, एसी वगैरह लगे हैं और बढ़िया। ये देखिए किसी के लिए यहाँ पे सर्व हो रहा है, तीन चार टाइप की सब्जियाँ और ये पूड़ी। और लीजिए ये देखिए, ओहो हो हो हो, और क्लोजली देखिए, ये आटे की पूड़ियाँ हैं ना कि मैदे की। ये यहाँ पे तैयार होती है और इसको डबल फ्राई किया जाता है ताकि सुपर क्रिस्पी रहे। और ये देखिए ऐसे सजा के दी जाती हैं, टोकरी के अंदर पूड़ियाँ रखी जाती हैं, ये देखिए, और ऐसे सर्व की जाती है। ये बड़ा यूनिक आइडिया है, यूनिक स्टाइल है, और आई गेस मैंने कहीं नहीं देखा ऐसे। तो चलिए अब इनकी सब्जियां दिखाते हैं, कौन कौन सी सब्जियां देते हैं। लीजिए हम इस दुकान के कर्ता मैडम प्रतिभा शर्मा से बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कितना टाइम हो गया इस शॉप को। देखो ये हमारे ग्रैंड फादर पंडित झंडू राम जी ने शुरू की थी, उनको उन्होंने ये काम 1910 में शुरू किया था, लेकिन हम उनकी थर्ड पीढ़ी हैं, तो हम इधर 1995 से इधर हमने अलग से शुरू किया अपना काम। और आपके टाइमिंग्स क्या हैं शॉप के? हमारी टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पूरी है, उसके बाद जलेबी, समोसा, कचौरी, हॉट डॉग, टिक्की, चाट, ये रात को 10 बजे तक चलता है। रात को 10 बजे तक चलती है। 10 बजे क्लोज करते हैं हम शॉप। ठीक है, पूड़ियाँ तो हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस समय? तो हमारी लस्सी भी बहुत फेमस है। ठीक है, बाकी आप ट्राई करके देखिए, हलवा, लस्सी, पूरी इस समय तो, बाकी शाम को इवनिंग में जलेबी या समोसा, खस्ता कचौरी। और 7 दिन खुली रहती है दुकान? फुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये देखिए शूट करते ही करते एकदम पैक्ड हो गया है कस्टमर से, ये देखिए। चलिए यहाँ पे पूछते हैं लोगों से कि उनकी राय क्या है यहाँ के फूड के बारे में। तो रोचक जी हमें मिल गए। रोचक जी, यहाँ पे कितनी बार आना जाना हो जाता है? हो जाता है 2 हफ्ते में 2 बार ही हो जाता है। अच्छा, और कितना टाइम होगा, कितने सालों से आ रहे हैं, क्या कितने? 4 ईयर्स हो गए। 4 साल हो गए। क्या करते हैं हम? मेरा ज्वेलरी बिजनेस है। क्या सर? ज्वेलरी का बिजनेस है। और फूड के बारे में आपकी क्या राय है यहाँ? अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन, टेस्टी। और प्राइसिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? प्राइसिंग मैटर नहीं करती है, बिकॉज अगर आपको नीट एंड क्लीन खाना मिल रहा है, अच्छा हाइजीनिक हो, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने। तो लीजिए यहाँ पे सब्जियाँ पेश हैं, ये देखिए,
ये है कद्दू की सब्जी, ये बराबर में देखिए गोभी की सब्जी, ये है अचार चटनी, और ये भी आलू की सब्जी है। तो चलिए अब मुंह में पानी आ गया है, तो चलिए आपके साथ एंजॉय करते हैं ये पूड़ियाँ। तो लीजिए फूड पेश है, पूड़ियाँ, आलू, अचार, और इसकी कॉस्ट 105 रुपए है, जिसमें 3 पूड़ी सर्व की जाती है और ये 3 सब्जी और साथ में अचार। तो मैंने अभी ये 2 पूड़ी रखी है। इससे पहले मैं खाऊं, हमारा फूड ब्लॉगर का धर्म है कि अपने इंस्टाग्राम के लिए हम फोटो ले लें। जी हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे, ये स्क्रीन के कॉर्नर पे देखिए आपको मेरे हैंडल्स दिख जाएंगे, और इसको फॉलो कर लीजिए। चलिए अब टेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ठंडी होने में, ना हो जाए ज़्यादा। और ये देखिए इसके अंदर देखते हैं क्या है, आटे की पूड़ी। तो जो लोग प्रेफर करते हैं मैदे की ना खाने की, वो ये आटे की पूड़ी खा सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसे कद्दू की सब्जी के साथ देखती, ये सॉरी कद्दू नहीं है, ये आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी के साथ देखते हैं कैसा इसका टेस्ट आता है। सबसे पहली फील जो आती है आलू के साथ खाने की, वो ऐसा लगता है कि मैं प्रसाद की, लंगर की पूड़ी आलू खा रहा हूँ, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। जो मेरा पूड़ी का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इसका स्वाद कॉम्बो बना के आने वाला है। कॉम्बो कैसे बनाना है जी, ये गया जी आलू की सब्जी, ये गई कद्दू की सब्जी, और ये गया गोभी का। अब ये गोभी की सब्जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने देहरादून में चेतन की पूड़ी वाला खाया था, उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, अगर आप देखें तो वहाँ भी गोभी सर्व की जाती है और ऑलमोस्ट सेम होता है, उनकी एक सब्जी एक्स्ट्रा होती है, वो छोले भी सर्व करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ऐसा होता है। तो ये देखिए ये कॉम्बो तैयार है, और मेरा मानना यही है कि ये ऐसे ही बढ़िया लगेगा। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है अचार और चटनी। ये गया चटनी हल्का सा, और ये अचार गया। अब इसका देखते हैं बढ़िया टेस्ट आने वाला है, और लीजिए चीयर्स। सही में कॉम्बो का मज़ा ही अलग है। तो लीजिए यहाँ हमने लस्सी भी मंगवाई है, लस्सी पी के देखते हैं यहाँ पे। पहला इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी लस्सी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज़ नॉर्मली मैं कहीं लस्सी पीता हूँ तो उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, जो दही का अपना फ्लेवर होता है वो कम आता है। यहाँ पे पहले आपके दही का बहुत बढ़िया ज़ुबान पे फ्लेवर रह जाता है, और अच्छी क्वालिटी की दही यूज़ की गई है, जैसे ज़ुबान पर रखते एक रिफ्रेशिंग सा फील आता है, बहुत बढ़िया है। और इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, तो आई गेस बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी। तो एक सिप तो और बनता है। इसके अलावा हमने एक डिज़र्ट मंगवाई है, लस्सी मैंने पी ली है, तो मुझे लग रहा है अब हलवे में मुझे मीठा हल्का कम लगने वाला है। तो लेकिन जब वहाँ बन रहा था वो मैंने टेस्ट कर लिया था। तो ये देखिए सूजी का हलवा, ये 40 रुपए का है और लस्सी 60 रुपए की है। वही प्राइसिंग, मैं वही कहूँगा कि प्राइसिंग एट हायर साइड, लेकिन ये हलवा खाना बनता है। ओहो ओह, दिस इज़ सुपर अमेजिंग। मैं ये कहूँगा आओ, पूड़ियों के साथ आखिरी में मीठे में हलवा ज़रूर खाओ, और अगर आप लस्सी के शौकीन हैं तो लस्सी तो आपके एक बढ़िया कॉम्बो बनाती है ये। तो ये देखिए ये चटनी है और घीए का अचार है। मैंने आज से पहले घीए का अचार कभी नहीं खाया, ये थोड़ा डिफरेंट था, और इसके लिए टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है। बराबर में कद्दू की सब्जी है, बेहतरीन सब्जी, ना बहुत ज़्यादा मिर्चें, और बहुत बढ़िया। ये तो आप मैदे की पूड़ी के साथ खाओ, आटे की पूड़ी के साथ खाओ, सबके साथ बढ़िया लगता है। जो गोभी है
गोभी मेरे को देहरादून में मैंने चेतन पूड़ी पे भी खाई थी, तो गोभी मेरे को पूड़ी के साथ कहीं ना कहीं मुझे मज़ा नहीं आता कहीं ना कहीं। आलू बढ़िया है, जैसे मैंने बताया लंगर वाले आलू की बिल्कुल वैसी सब्जी है। ओवरऑल एज ए कॉम्बो खाओगे, पूड़ी एकदम क्रिस्पी है, आटे की है, बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है। क्वालिटी में कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। प्राइस आई वुड से एट हायर साइड, प्राइस ज़रूर ज़्यादा है और लेकिन क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात किया, वो कहते हैं कि हमें प्राइस का इशू नहीं है, हमें क्वालिटी का इशू है। दैट्स वाई दे आर लाइक बड़ा रेगुलर है इस शॉप पे, सिर्फ क्वालिटी की वजह से। अब आती है मेरी टेस्ट की और रेटिंग की बारी। तो कद्दू की सब्ज़ी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन एज ए कॉम्बो मैं एज ए टोटल कॉम्बो इसको 8 देता हूँ 10 में से। और मेरी तरफ से क्वालिटी के लिए बहुत बड़ा थम्स अप है इस जगह को। पहली बार आया हूँ लुधियाने की, पूड़ियाँ ट्राई की हैं। अगर आप लुधियाना या लुधियाना के आसपास से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ट्राई करना चाहते हैं, आइए ट्राई करिए। कैसा लगा वापस आके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और एक अच्छी ट्राई थी ब्रेकफास्ट, फर्स्ट टाइम हमने लुधियाना में ब्रेकफास्ट ट्राई किया है। आपको ट्राई कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड अपने यारों दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।